Hello friends, myself Sonali Jay Mehta, your science student. And we are talking about your chapter number one, crop production and management. So, हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि आपका first chapter आपको क्या समझाता है. ठीक है, so we'll start with chapter one, crop production and management. ठीक है, जब भी हम ये word सुनते हैं crop, ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ये trees आते हैं, बहुत सारे plants आते हैं. ठीक है, या आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मैम, बहुत सारे प्लांट को हम लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे तो शायद उसे क्रॉप कहा जाता है. ठीक है, और इतना सारा क्रॉप हम उगाते हैं, जो हमारे फार्मर्स है जो इतना सारा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे, किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेस को मैनेज करते हैं अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन करना बड़ी बात नहीं है या एक प्लांट लगाना बड़ी बात नहीं है. हम हमारे घर में भी प्लांटेशन करते हैं यूजुअली. ठीक है, आपके पास आपका टेरेस गार्डन हो सकता है या बालकनी में आपने गार्डन मेंटेन किया होगा, अपने पास आपका खेत भी हो सकता है. जो लोगों के पास खेत होगा या जिनके दादा या पापा ये फार्मर्स होंगे, ये जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन करना कोई ईजी चीज नहीं है. ठीक है, तो हमें भी ये आज समझना है कि एक प्लांट उगाना, उसे केयर करना और इतना सारा क्रॉप उगाना जिससे पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का जो है फूड रिक्वायरमेंट मेंटेन हो सके, ये अलग चीज होती है. ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि हमारे कंट्री की या वर्ल्ड की फूड रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सके. ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए चैप्टर वन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर वन. सो हमने डिस्कस किया कि क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा तभी हम हमारी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए, है ना? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और हम बहुत लोअर स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ रहे थे या पढ़ते हुए आए हैं. Why do we not need food? ठीक है, आप कहोगे खाना तो चाहिए ना, भूख लगती है, पर क्यों खाना चाहिए, हमारी बॉडी को क्यों खाना चाहिए? बिकॉज वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी. वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा. हम बात करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे, हम चलेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारी मूवमेंट करनी होती है, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है. हमारा बॉडी कंटिन्यूसली बहुत सी एक्टिविटी, चाहे आप एक प्लेस पे बैठे ही हो ना एक घंटे से, फिर भी हमारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही होती है. आप सांस ले रहे हो, आप डाइजेशन कर रहे हो, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, आप सोच रहे हो, तो ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो हमारा फूड जो है, जो भी खाना हम खाएंगे, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो हमें हेल्दी रखेगा. ठीक है, वो हमें ग्रो होने में हेल्प करेगा. राइट, इट ऑल्सो रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज एंड वॉर्न आउट टिश्यूज. जो भी टिश्यूज हमारे बॉडी में है वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं. ठीक है, दे आर वर्किंग. तो एट सम टाइम ऐसा होगा कि वो टिश्यूज है या सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे. ठीक है, या फिर उसमें प्रॉब्लम होगा, वो वर्किंग नहीं रहेंगे, तो उसे रिपेयर करना, उसे रिप्लेस करना, ये भी सब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. सो व्हाई वी नीड फूड? Because food provides us energy for growth, for repair and replace the damaged part, and it also protects us from disease. हमारा जो immunity होता है, वो immunity build up करने के लिए या फिर maintain रखने के लिए भी we need food. तो ये तो बात हो गई कि हमें food क्यों चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं कि plants और animal किस किस तरीके से अपना food obtain करते हैं. ठीक है, सो हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल गेट देयर फूड? ठीक है, ये समझना है. तो आप पूछोगे कि मैम बहुत इजी है, जब जिन्हें भूख लगती है वो अपना खाना ढूंढ के खा लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात ये होती है कि प्लांट तो कभी खाना ढूंढने जाते नहीं है, वो तो मूव नहीं कर पाते, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तभी आपके पास आंसर है कि हाँ मैम, हमने सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करके अपना खाना यानी कि ग्लूकोज बना सकते हैं. ठीक है, तो ये बात तो आपकी पूरी तरीके से सही है ना. प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बिकॉज उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है. ठीक
ठीक है, दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, उनके पास अपने सेल में क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उनके पास ऐसी कैपेसिटी है, ऐसा मैजिकल पावर है कि वो सनलाइट को यूज कर सकता है, ठीक है, और उसी एनर्जी से प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना भी बना सकता है ना। इसीलिए प्लांट्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको कंबाइनली हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों ऑटोट्रॉप्स कहते हैं? बिकॉज वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा, है ना। क्लियर है, इजी है, ये तो आपको पता ही था। ओके, नाउ व्हाट अबाउट एनिमल्स? अब हम हमारी बात करें या रैबिट की बात करें या एलिफेंट की बात करें, तो वी डजंट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, हमारे पास तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, उसका अलग रोल है, वो फिर कभी बात करेंगे, बट हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट तो नहीं है। तो क्या होगा अगर क्लोरोफिल पिगमेंट हमारे पास नहीं है? तो हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, है ना, चाहे तो भी नहीं कर सकते। कितना अच्छा होता ना मैम अगर क्लोरोफिल पिगमेंट होता, खाना बनाना नहीं पड़ता, है ना, बर्तन साफ नहीं करने पड़ते, खाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, खाना ही रेडीमेड मिल जाता तो जॉब पे भी नहीं जाना पड़ता, जॉब पे जाना ही नहीं होता तो पढ़ना भी नहीं पड़ता और आपका ये लेक्चर भी नहीं सुनना पड़ता, है ना, बहुत अच्छा हो जाता। बट ऐसा है नहीं, राइट, हमें रेडीमेड फूड तो नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे? एनिमल फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल, ठीक है, हम किसी प्लांट को खाएंगे या फिर जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होंगे वो किसी एनिमल को खाएंगे, राइट। तो क्या होगा कि उनको प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो सारे एनिमल के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा और एनिमल्स को कंबाइनली हम हेटरोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने दो टर्म समझे। पहला हमने समझा कि ऑटोट्रॉप्स क्या है या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। और दूसरा हमने समझा कि एनिमल एनर्जी दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल में से ऑब्टेन करेंगे तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा? पहला हमने समझा फूड क्यों चाहिए, दूसरा हमने समझा कि फूड हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, एनिमल का फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग है और प्लांट का फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम हमारे चैप्टर पे वापस आते हैं कि हमें फूड चाहिए इसलिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए ना कि क्रॉप क्या है मैम, राइट। तो हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किसे हम क्रॉप कह सकते हैं। देखो, तो जब भी हम एक ही तरह के प्लांट को, एक ही तरह के प्लांट को मतलब अगर आपका मन किया कि गन्ना उगाना है ना, तो गन्ना अगर आप ग्रो करना चाहोगे तो आपकी बालकनी में एक गन्ना ग्रो कर लिया तो उसे नहीं कहेंगे क्रॉप। किसे क्रॉप कहेंगे? कि आपने सोचा कि सुगर कैन ग्रो करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे सुगर कैन प्लांट्स को, सेम काइंड ऑफ प्लांट मतलब बहुत सारे सुगर कैन प्लांट्स को लार्ज स्केल पे आप ग्रो करोगे एक ही जगह, एक इधर एक अहमदाबाद में, ऐसा नहीं है ना, एक ही प्लेस पे एक ही जमीन पे आप बहुत सारे सुगर कैन के क्रॉप्स को ग्रो करोगे, ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल एट वन प्लेस, ठीक है। कितने कीवर्ड्स है यहाँ पे? तीन कीवर्ड्स है, एक सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेकेंड ऑन लार्ज स्केल एंड थर्ड एट वन प्लेस, ठीक है, तो ही उसे क्रॉप कहेंगे। अगर किसी ने पूछा क्रॉप का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपके डेफिनेशन में ये तीनों तीन पॉइंट आने बहुत जरूरी है कि व्हेन वी कल्टीवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल एट वन प्लेस देन एंड देन ओनली वी कैन कॉल इट क्रॉप, ठीक है। तो बच्चा आप लोगों को समझ में आ गया क्रॉप किसे कहते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो नीचे लिखिए, कमेंट करके बताइए क्रॉप आपको समझ में आ गया, अगर डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? फाइन, ओके, वेरी गुड, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तुरंत समझ जाते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सो मूविंग अहेड, अब हमें समझना है कि हमने समझ तो लिया कि क्रॉप क्या है, ठीक है,
अब आपका जो पहला टॉपिक है क्रॉप क्या है और उसके टाइप्स, ठीक है। तो फार्मर्स जो होते हैं ना अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर सीजन के हिसाब से हम डिवाइड करना चाहें तो हम क्रॉप को दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो क्रॉप्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली दो तरह के टाइप्स में हम क्रॉप को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ कौन कौन से दो तरह के क्रॉप्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं ना जिसको कम टेम्परेचर चाहिए, है ना। ओके तो ऐसे क्रॉप को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं ताकि उनको मतलब सनलाइट कम चाहिए, टेम्परेचर वार्मनेस भी कम चाहिए, है ना, ड्राई एटमोसफेयर चाहिए, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए। तो ऐसे क्रॉप्स जो मेनली फार्मर्स विंटर सीजन में ग्रो करेंगे उनको हम बोलेंगे रेबी क्रॉप्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेबी क्रॉप्स बोलेंगे। ओके जनरली अक्टूबर टू मार्च मंथ में हम उसे ग्रो करते हैं, ठीक है। और जिसकी वीट है, ग्राम है, ठीक है, पी है, पीज, मस्टर्ड है, लिंसिड है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ रेबी क्रॉप, ठीक है। अब दूसरे तरह की क्रॉप की अगर हम बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप जो है वो ऐसे क्रॉप्स है जिसे कम टेम्परेचर तो चाहिए बट पानी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो जो प्लांट ऐसे है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, तो उसे हम जून टू सितंबर मंथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। ओके तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खरीफ, ठीक है। उसके एग्जांपल देखिए तो है पैडी, मेज, ठीक है, सोयाबीन, ग्राउंडनट और सी फॉर कॉटन, ठीक है। So, अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये हो गया खरीफ क्रॉप, ठीक है। अब तीसरे क्रॉप ऐसे भी होते हैं जो हम मार्च टू जून के बीच में ग्रो करते हैं, मतलब प्योर समर, ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ग्रो होने वाले प्लांट्स को या समर सीजन में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हम जेड क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप। जनरली आपके स्कूल के हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो रेबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का डिफरेंस आपको याद रखना है और आपके एनसीईआरटी बुक के मुताबिक आपको तीन पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। एक तो कौन से सीजन में ग्रो होता है, दूसरा कौन से मंथ में ग्रो होता है और थर्ड उनके एग्जाम, ठीक है। और एडिशनल आप ये भी ऐड कर सकते हो कि रेबी क्रॉप्स नीड लेस वाटर एज कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप और खरीफ क्रॉप जो है उसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखने के लिए, एग्जाम्पल याद रखने के लिए हमने क्या किया है, हमने की बना दी है कि पूरा पूरा याद रखने में अगर दिक्कत होगी तो हम कैसे याद रखेंगे। हम ऐसे याद रखेंगे कि पूरा देखो यहाँ पे आप पूरा याद रखोगे, हम अगर बात करें हैरी क्रॉप की तो पूरा याद रखना पड़ेगा पैडी मेज, सॉरी वीट पैडी मेज, वीट ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसिड। तो ये पूरा याद रखने में दिक्कत होगी, तो वीट से W, क्रेम से G, पी से P, मस्टर्ड से M और लिंसिड से L। तो आप ये याद रख सकते हो WGPML, तो सबको याद रह जाएगा कि हाँ वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिंसिड। सेम वे खरीफ क्रॉप का एग्जांपल याद रखना हो तो पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन याद रखने में दिक्कत होगी, बट PM SGC याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आप ये पी से आपको याद रखना है कि पैडी यानी राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो वो तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का, ठीक है। तो ये पी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विंटर में पीज होते हैं, मटर की सीजन होती है, आपने देखा होगा कि हम मटर स्टोर करके भी रखते हैं,
5 kg 10 kg आप फ्रोजन करके भी रखते हो, विंटर के सीजन में मटर की प्राइस जो होती है, पीस की प्राइस जो होती है वो बहुत डाउन रहती है, ठीक है। तो बहुत सारे घरों में उसे छिलके स्टोर कर दिया जाता है, ओके फाइन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका एक पहला टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक क्या था, क्रॉप क्या है और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है और कैसे फार्मर अलग अलग क्रॉप को ग्रो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगी कि साइंस क्या है, तो आप बता पाओगे, हाँ बताइए चैट बॉक्स में बताइए, राइट। साइंस क्या है तो आप बोलोगे कि क्या मैम इतना भी नहीं पता, हमारे स्टडी क्या एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसे स्ट्रीम जिसके बारे में हम नई नई चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नए नए प्रिंसिपल्स, केमिकल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबके बारे में बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, बोलेंगे साइंस। अब मैं पूछूंगी कि केमिस्ट्री क्या होता है, तो भी आप फटाफट से ऐसे चैट बॉक्स में दिखवा दे, लोग तो टाइप भी करने लगे, है ना। मैं आपको पूछूंगी केमिस्ट्री क्या होता है, तो आप लिखोगे कि हाँ जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे उसे हम केमिस्ट्री बोलेंगे। मैं आपको बोलूंगी कि बायोलॉजी क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, मैम जो आप पढ़ा रहे हो, हाँ ऑब्वियसली, जिसमें हम बायो मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी मतलब क्या, क्या है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्ट्रीम में हम स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी, ठीक है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर क्या होता है, तो जिसके अंदर हम क्रॉप्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्रॉप मतलब किस तरीके से क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है, नंबर वन, या किस तरीके से एनिमल को पाला जाता है, नंबर टू, ठीक है। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को कैसे उगाया जाता है उसकी, उसके बारे में, एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को कैसे पाला जाता है उसके बारे में हम जो स्ट्रीम में बात करेंगे उनको हम बोलेंगे क्या, बोलेंगे एग्रीकल्चर बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। क्या क्या की पॉइंट क्या है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्रॉप को कैसे ग्रो करना है और एनिमल को कैसे पालना है उनको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर, इजी है, ओके। हाँ वर्ड तो आपने काफी बार सुना होगा ना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये वो एक्स वाई जेड, न्यूज में भी पढ़ा होगा, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि जो ब्रांच के अंदर क्रॉप कैसे कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को कैसे पाला जाता है टू ऑब्टेन वेरियस एनिमल प्रोडक्ट, तो उनको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर, ठीक, क्लियर, ओके, सबको समझ में आ गया ना, फाइन। सो अब देखते हैं, अब हमें मेन आपके आपके मेन टॉपिक पे हम आते हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख पा रहे हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कभी कभी एक मार्क के डेफिनेशन में भी पूछते हैं, तो पहले समझते हैं कि ये वर्ड अपने आप में क्या है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरर से तो आपको कुछ समझ में आ गया, एग्रीकल्चर मतलब जिसमें हम कैसे क्रॉप को ग्रो करते हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिसेस मतलब कौन कौन सी प्रोसेसेस होगी उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मतलब क्रॉप को उगाना, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, ठीक है। अगर हम क्रॉप को उगाएंगे तो हमें कुछ एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स, अंडरटेकन बाय फार्मर्स मतलब इसे हम थोड़ी आसान भाषा में बोलते हैं कि फार्मर जब भी कोई क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब भी कोई क्रॉप उगाते हैं तो क्रॉप उगाए तब से लेके क्रॉप पूरा मैच्योर हो जाए तब तक के टाइम पीरियड में फार्मर्स जो जो एक्टिविटी करेंगे ना क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज को हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, ओके। तो फार्मर अगर क्रॉप, आप बताओ आपको क्या लगता है कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ती है, मैम पहले तो प्लांट लाने पड़ते हैं या फिर सीड्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको पूछूं कि आपको, चलो घर पे आपको एक EBS का प्रोजेक्ट मिला है और आपको बोला है कि आपको प्लांटेशन करना है, राइट, तो आप क्या करोगे,
मैम एक तो बॉट चाहिए होगा, फिर मिट्टी चाहिए होगी, फिर हमें प्लांटलेट चाहिए होगा, नर्सरी में जाके प्लांटलेट लेके आओगे, फिर प्लांटलेट को मिट्टी के साथ प्लांट करोगे, उसमें पानी दोगे, उसे सनलाइट मिले, ऐसी जगह पे रखोगे। तो इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी एक प्लांट को डेवलप करने के लिए। वैसे ही अगर फार्मर्स चाहते हैं कि क्रॉप को लार्ज स्केल पे डेवलप करना है, तो उन्हें भी बहुत सारी एक्टिविटी को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कौन कौन सी होगी, उसे हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एक फार्मर जितनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू ग्रो क्रॉप्स, उनको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्लियर है फाइन, सभी को समझ में आ गया ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, ठीक है। वी विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, फाइन। तो देखते हैं, चलो फार्मर कौन कौन सी एक्टिविटी, थोड़ी थोड़ी आपने गैस की है, बट हम देखते हैं कि कितनी आपने सही सही तरीके से गैस की है, ठीक है। सो चलिए देखो, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिख रहा है प्यारा सा, है ना। क्या क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन डिटेल। आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिटेल में समझानी है स्टेप बाय स्टेप, कि फार्मर कौन कौन सी प्रोसेस करेगा तब जाके क्रॉप प्रोडक्शन होगा, है ना। तो पहला देखो, आपको पहला दिख रहा है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब पहले तो जो खेत होगा ना फार्मर को, वहां की सॉइल अगर ऐसे पड़ी है, मान लीजिए कि अगला क्रॉप हमने एक साल पहले या एक महीने पहले हार्वेस्ट किया था, ठीक है। तो एक महीने से ऐसे ही सॉइल पड़ी है धूप में, ठीक है, सब ऐसे ही है, पूरा पूरा लेयर ऊपर से हार्ड हो गया होगा। आपके यहाँ प्लांटेशन करते हो ना आप पॉट में, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, आप समर वेकेशन में गए होते हो तो एक मंथ आपका घर बंद रहता है, ठीक है। तो जो भी आपके प्लांट्स होंगे ना वो सूख गए होंगे, या फिर प्लांट नहीं थे पॉट में, तो उसकी जो मिट्टी होगी ना वो पूरी ऐसे हार्ड हो जाएगी, पूरा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे 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 ब्रेक्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है, पूरा हार्ड रहता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता। आप टच करके देखोगे ना आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हार्ड मिट्टी खेत में भी हो जाती है, तो मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो कैसे पॉसिबल है, हम पूरे खेत की मिट्टी को सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल है, हम अलग अलग टेक्निक से ऊपर की सॉइल को नीचे जाने देंगे, नीचे की सॉइल को ऊपर ले आएंगे। तो कभी आप बीच पे जाते हो ना, तो भी आपने देखा होगा कि आप ऐसे सैंड डिग करते हो ना, तो ऊपर की सैंड जो होती है ना एकदम ड्राई होती है, बट जैसे आप डिग करके अंदर जाओगे, आपको वो क्या बोलते हैं, महल बनाना होता है मिट्टी का, तो आप सारा ऐसे ऐसे डिग करके मिट्टी निकालते हो। जितने आप नीचे जाते हो ना, उतनी जो सैंड होती है वो ज्यादा गीली होती है और ठंडी भी होती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी खेत की मिट्टी भी होती है, कि बाहर चाहे रफ मिट्टी है, बट जैसे ही हम अंदर डीप इनसाइड द सॉइल जाएंगे, अंदर की मिट्टी क्या होगी, बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत ही नरम भी होगी, ठीक है। उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो हमारे क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए हम सॉइल को टर्न करते हैं ऊपर नीचे, ताकि हमारी सॉइल सॉफ्ट भी हो जाए और उसमें क्रॉप भी अच्छे से ग्रो हो, हम मतलब फार्मर्स। तो फार्मर्स जो पहली एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे ना बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं, जिसमें अगर सीड डालेंगे तो अचानक से, मतलब अचानक से नहीं, सीड डालेंगे तो वो फटाक से जल्दी से बिना कोई रुकावट के अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा, ठीक है। तो ये पहले स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक बार फार्मर अपनी सॉइल प्रिपेयर कर लेगा, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको करना पड़ेगा सोइंग। वो तो जाहिर सी बात है ना मैम, अगर हम सीड डालेंगे ही नहीं तो प्लांट कैसे ग्रो होंगे, सीड तो डालने पड़ेंगे, क्योंकि सीड से ही तो नया प्लांट डेवलप होगा, है ना। तो आपका दूसरा एक्टिविटी क्या होगा, सोइंग, राइट। नाउ द थर्ड वन इज, आपने प्लांट ग्रो कर लिया, अपने सीड ग्रो कर लिया, सीड में से छोटा छोटा प्लांटलेट भी डेवलप हुआ, बट अगर सॉइल में से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले तो क्या करेंगे, वो ज्यादा बड़े हो पाएंगे, उसका ग्रोथ अच्छा हो पाएगा, उसमें बहुत सारा सीड्स और फ्रूट्स या आपने जो भी क्रॉप लगाए थे, जैसे सुगर केन लगाया था, तो उसका सुगर केन का जो फ्रूट होगा वो उतना जूसी और उतना अच्छा हो पाएगा अगर उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे? ऑब्वियसली नॉट, उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा तो
वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें भी कैसे देंगे, है ना। तो थर्ड हमारा ये फार्मर्स का थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होगा कि वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। जैसे हम खाना खाते हैं, राइट, हमें भी न्यूट्रिशन तो चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो अलग अलग तरह का, है ना, पानी पीते हो, वैसे प्लांट को भी चाहिए पानी, वो सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेगा क्योंकि सॉइल में डीप इनसाइड तो पानी होता ही है, है ना, तो वो पानी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। नहीं पानी कम है तो ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट है, वो पानी हम ऊपर से प्रोवाइड करेंगे। बट पानी प्रोवाइड करने से पहले हमें ऐड करने हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करने का तरीका होता है, या तो हम मैन्योर डाल सकते हैं या हम फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, हमें तो नहीं पता। हाँ, आपको नहीं पता होगा, बट हम लेटर ऑन नीचे हर एक स्टेप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फाइन, तो अब का थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हुआ, थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हुआ, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नाउ फोर्थ वन, अगर हम फोर्थ की बात करें, ठीक है, तो फोर्थ वन इज एन इरिगेशन, ठीक है। आपने न्यूट्रिएंट डाले, फिर आप पानी भी डालोगे, पानी भी तो चाहिए प्लांट को ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप होगा हमारा इरिगेशन। अब ये स्टेप में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम पानी अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स है जहाँ से हमें खेत में इरिगेशन के लिए पानी मिल सकता है ना। ओके, तो ये बात हम करेंगे फोर्थ स्टेप में, यानी कि इरिगेशन। फिर क्या होगा कि पानी देने पे आपके प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे, धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो हो गए, फिर आपके प्लांट के साथ आ जाएंगे कुछ अनवांटेड फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आप गन्ना उगा रहे थे सुगर के, उसके साथ साथ ग्रास भी उग गया। इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमें तो ग्रास नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ठीक। ग्रास अगर होगा तो हमारे प्लांट को ग्रो होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, है ना। तो अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना, अनवांटेड प्लांट को क्या बोलेंगे, वीड्स। तो वीड्स को रिमूव करने के जो तरीके होते हैं उनको हम बोलते हैं वेडिंग। क्या बोलते हैं, वेडिंग। तो फिफ्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हुई बच्चों, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाओ, या आप अपने चार क्लास नोट्स भी बना सकते हो। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आप लिखते भी जाइए, ठीक है। तो लिख लिख के अगर आप रिवाइज करोगे या प्रिपेयर करोगे, इट विल बी मोर हेल्पफुल, आप नहीं भूलोगे, राइट। तो हमारा फिफ्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हुआ, वेडिंग। अब वेडिंग भी हो गया, धीरे धीरे हमारे क्रॉप ग्रो होने लगे, बढ़ने लगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा क्रॉप पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। तो ये आपका सिक्स्थ स्टेप आ जाएगा। एक बार क्रॉप आपका मैच्योर हो गया, फिर उसको खेत में रख के क्या करेंगे, ये पूरी तरीके से हो गया है, फिर उसे काट के अलग करेंगे हम। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग। क्या बोलेंगे बताओ, हार्वेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो आप काट के अलग करोगे, उसमें से फ्रूट निकालने तो फ्रूट निकालोगे, सीड निकालने हैं तो सीड्स को अलग करोगे, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद मान लीजिए कि आपने वीट ग्रो किया, तो आप पूरा वीट जैसे ग्रो होता है वैसे तो हम नहीं खा लेते, उसके ऊपर जो छिलके होते हैं ना, हस्क होते हैं, काफ होते हैं, उसे सेपरेट करना होता है। तो काफ को सीड से सेपरेट करने की प्रोसेस, या हस्क को सीड से सेपरेट करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेसिंग, ठीक है। बड़े से पत्थर पे हम ऐसे क्रॉप को बीट करेंगे ताकि सीड्स अलग हो जाए, उनके काफ और उनके हस्क अलग हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस को थ्रेसिंग करेंगे। ये आपने पढ़ा था, है ना, सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेपरेशन टेक्निक्स में। खैर आप भूल गए हो, पर यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप सिक्स सेवन टेक्निक पढ़ोगे थ्रेसिंग, और लास्टली एथ टेक्निक होगा कि आपने वीट अलग कर लिए है तो फिर उसको स्टोर कर कैसे करना है, स्टोर करना है पूरे साल, उसको स्टोर करके रखना है, जिसको भी जरूरत होगी वो खरीदेगा गवर्नमेंट से, ठीक है। जो फार्मर्स होंगे उसे स्टोर मतलब सेपरेट करके बेच देंगे गवर्नमेंट को, या टेम्पररी फार्मर को भी स्टोर करना पड़ सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट उनसे बाय कर लेगी, ठीक है। तो उनको कैसे स्टोर करके रखा जाए ताकि वो बिगड़े ना, रूट ना हो जाए, उसमें इंसेक्ट्स ना पड़ जाए, तो वो पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे स्टोरेज। तो प्रिपरेशन देखो मेरे साथ दोहराइएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, नंबर फोर इरिगेशन, नंबर फाइव वीडिंग, नंबर सिक्स हार्वेस्टिंग,
नंबर 7 प्रेसिंग एंड नंबर 8 स्टोरेज। इतनी सारी एक्टिविटीज जब होगी तब फार्मर एक क्रॉप को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि किस तरीके से क्रॉप को उगाया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सोइंग कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम अच्छी क्वालिटी और बैड क्वालिटी की सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने से क्या क्या फायदे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कौन कौन से मैन्योर होते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर होते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इरिगेशन के लिए हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी होती है जो कम पानी है ऐसे एरिया में भी बढ़िया तरीके से इरिगेशन करने में हेल्पफुल होती है। फिर भी कौन कौन से होते हैं, वीडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वीडिंग हो गया, हमारा क्रॉप ग्रो हो गया, तो उसे हार्वेस्ट करने का क्या तरीका है, कैसे उसे अलग किया जाता है, कैसे हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे हमारे क्रॉप को या उनके, देखो कोई भी क्रॉप ग्रो होगा ना उसमें यूजफुल और अनयूजफुल चीजें होगी। जैसे कि एक अगर गेहूं आप ग्रो करोगे, मान लीजिए कि हमने वीट ग्रो किया, ठीक है ना, तो नीचे वीट में क्या होगा, सूख जाता है ना, वीट ग्रो होकर सूख जाता है तो येलो दिखेगा आपको। ठीक है, आपने वीट ग्रो किया तो वीट में सिर्फ वीट डायरेक्टली वीट तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा पूरा एक ग्रास जैसा स्ट्रक्चर होगा चीज के आसपास, वीट के छोटे 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 सीड्स ग्रो होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आपको तो ये पूरा नहीं चाहिए, ये सीड के ऊपर ऊपर उसके हस्त भी होंगे, ठीक है, आपको ये भी नहीं चाहिए। तो आप पहले प्रेसिंग करोगे तो क्या होगा, सीड्स जो होंगे वो ये प्लांट से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, इसे बीट करेंगे हम तो आपको ऐसे सीड मिलेगा, और सीड में भी क्या होगा, गेहूं के आसपास जो छिलका होगा वो भी निकल जाएगा और आपको प्योर फॉर्म ऑफ ऐसा गेहूं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस को थ्रेसिंग करते हो, आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ आपका क्रॉप आ गया तो फिर उसे स्टोर करोगे गोडाउन में, या अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। तो ये सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले थे डिटेल। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे चैनल को लाइक करिए, ये वीडियोस आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक बार कर दिया है तो अनसब्सक्राइब नहीं करना है, एक ही बार सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, तो जब भी इसका दूसरा पार्ट आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, सी यू।